हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप बताऊंगे फ्रंट ओपनिंग प्रिंसेस कट ब्लाउज कैसे बनाए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। देखिए, हमने ब्लाउज कट कर लिया है, लाइनिंग और ब्लाउज दोनों कट किया हमने, देखिए इस तरह। और ये हमने गोल्डन कलर की लेस ली है, तो देखिए इस तरह। मैं आपको ब्लाउज का साइज बताती हूँ। देखिए, ब्लाउज की जो लंबाई है हमने 16 इंच लिए, तैयार में हमें 15 इंच चाहिए, तो इसमें हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और देखिए, ये हम 34 साइज बना रहे हैं, तो डबल फोल्डर में 8.5 इंच ले लिए। और 3 इंच हमने मार्जिन लिया इसमें, क्योंकि हमारा प्रिंसेस कट है। शोल्डर हमने 6 इंच लिए, मुड्डे भी 6 इंच लिए, और इसमें हमने 1 इंच की गुराई दी है। अब देखिए, जो डिजाइन हम कट करेंगे वो लाइनिंग पे कट करेंगे, तो ब्लाउज हम साइड में रख लेते हैं। देखिए, ये हमारा बीच में से कट है, देखिए इस तरह। शोल्डर से हम 3 इंच पे निशान लगा लेते हैं। इसकी जो लंबाई लेंगे वो भी हम 3 इंच लेंगे, आप 3.5 इंच भी ले सकते हैं इसमें। और जो हम 1 इंच की गुलाई देंगे, इस तरह। और देखिए, ऊपर से हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे, इस तरह। और यहां से हम 1.5 इंच पे देख सकते हैं। और बीच हमारा 1.25 इंच का गैप आ रहा है, देखिए इस तरह। सेम नीचे भी इस तरह, और इसमें हम इस तरह गुलाई देंगे। हल्का सा गुड़ाई देंगे नीचे भी, थोड़ा सा नीचे जाएगा हमारा, देखिए इस तरह। अब हम प्रिंसेस कट के पॉइंट देंगे इसमें। देखिए, सबसे नीचे 5.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं, और फिर 1.5 इंच पे, क्योंकि हमारी 1.5 इंच की प्लेट आएगी। और देखिए, यहां से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और ऊपर से 10.5 इंच पे। और जो हमारा आर्म होल जा रहा है, यहां से हम 5.5 इंच पे। ये हमारे जो तीनों पॉइंट है, इन्हें हम ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरह। देखिए, ब्लाउज भी हम रखेंगे इसके ऊपर, फिर हम कट करेंगे एक साथ। देखिए, जो ब्लाउज है हमारा, वो भी बीच में से हमारा कट है, और इसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे हम इस तरह, पूरा सेट करते हुए। और फिर से हम कट करेंगे। अब हम प्रिंसेस कट के पॉइंट कट करेंगे। प्लेट को भी कट करेंगे। देखिए इस तरह। देखिए, इस तरह मैंने कट कर लिया। अब मैं आपको इसका सिलने को बताती हूँ किस तरह हम इसे सिलेंगे। लाइनिंग लिया है, इसके ऊपर हम ब्लाउज रखेंगे। ब्लाउज जो हमारा ऊपर वाला है उल्टा है, अंदर वाला हमारा सीधा है, इस तरह। और देखिए, ऊपर से हम नेक पे सिलाई लगाएंगे, यहां सिलाई नहीं लगाएंगे, फिर इस तरह यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, फिर हम पलटेंगे, उसके बाद हम प्रिंसेस कट के जो हमने कट किया है इसे हम जॉइंट करेंगे। देखिए, आई के लिए हमने पट्टी कट की है 3.5 इंच चौड़ी, और इसमें हम 2.5 इंच का लाइनिंग रखेंगे इस तरह। फिर इसे हम फोल्ड करके आई की पट्टी बनाएंगे, और 2.5 इंच चौड़ी मैंने हुक के लिए पट्टी कट की है। देखिए, इस तरह हम सिलाई लगाएंगे। अब नीचे सिलाई लगाएंगे। इस तरह में सिलाई लगा दिए, अब पीछे हम कर देंगे। अब इसे हम पलटेंगे,
अंदर। देखिए इस तरह इसको हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह मैं सिलाई लगा ली। इसी तरह मैं दूसरी साइड का भी तैयार कर लेती हूँ। देखिए इस तरह मैं सिलाई लगा दी है दोनों साइड। अब जो हमारे प्रिंसेस कट के जो हमने पॉइंट कट किए थे इसे हम ज्वाइंट करेंगे। देखिए नीचे मैंने जो हमने प्रिंसेस कट के कट किया था इस तरह रखा है, इसके ऊपर लाइनिंग रखा है और हम ब्लाउज सीधा रखेंगे। इसके ऊपर इस तरह आर्म गोल से हम सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह मैं सिलाई लगा दी है, इस तरह पलटेंगे इसे। देखिए और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरह मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दी। इसी तरह मैं दूसरी साइड का भी ज्वाइंट कर लेती हूँ। देखिए दोनों साइड में ज्वाइंट कर ली प्रिंसेस कट। अब इसमें हम हुकोराई की पट्टी लगाएंगे। देखिए हमारा राइट साइड का है, इसके ऊपर हम हुक की पट्टी लगाएंगे तो हम हाफ इंच अंदर फोल्ड कर देंगे इस तरह और फिर स्ट्रेट सिलाई लगाएंगे। और अंदर फोल्ड करेंगे इसे और इसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे अंदर। देखिए इस तरह मैंने हुक की पट्टी लगा ली है। अब सेम इसी तरह हम ऊपर भी हुक की पट्टी लगाएंगे। देखिए हमने ऊपर और नीचे दोनों हुक की पट्टी लगा ली। अब दूसरी साइड हम आई की पट्टी बनाएंगे। अब इस तरह हम नीचे रखेंगे और हाफ इंच अंदर दबा देंगे इसे हम और फिर हम सिलाई लगाएंगे स्ट्रेट। देखिए इस तरह हमने सिलाई लगा दी है, इसे हम पलटेंगे इस तरह दबाएंगे हम फिर इसके ऊपर इस तरह और फिर सिलाई लगाएंगे स्ट्रेट। देखिए इस तरह में पट्टी लगा ली, सेम इसी तरह ऊपर भी पट्टी बनाएंगे। देखिए मैंने हुक्की और आईटाई की पट्टी बना दी, अब नीचे फिनिशिंग देंगे हम। देखिए इस तरह हम फोल्ड कर देंगे नीचे। देखिए नीचे फिनिशिंग दे दी मैंने दोनों साइड। अब इसमें हम लेस लगाएंगे ऊपर। देखिए ऊपर से हम नेक से लगाएंगे इसमें लेस। देखिए इस तरह। अब इसी तरह मैं दूसरी साइड भी लेस लगा लेती हूँ। देखिए मैं दोनों साइड लेस लगा ली है तो हमारा पूरा ब्लाउज कंप्लीट हो गया है। देखिए मैंने नीचे फिनिशिंग दे दी है, हुक आई की पट्टी लगा दी, हुक भी लगा दी। देखिए हुक आई भी बना दी इसमें ऊपर नीचे में और देखिए लेस भी लगा दी है और प्रिंसेस करके मैं पॉइंट भी ज्वाइंट कर दिए। तो देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है ब्लाउज का। इस आसान तरीके से आप सुंदर डिजाइन बना सकते हैं फ्रंट ब्लाउज में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना।